नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हम आपको 6 मई 2022 को जो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है उसके लिए मॉडल पेपर जो है वो कराएंगे, और इस मॉडल पेपर का साथ साथ सॉल्यूशन भी जो है हम देखेंगे। इससे पहले हमने मैथ पेपर का मॉडल पेपर देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेपर कब है आपका, तो इंग्लिश का 6 मई को 11:30 से 12:30 की टाइमिंग में आपका पेपर है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि पेपर जब भी हो आपका इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमें पेपर भेज सकते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा नाम से आईडी बनी हुई है, और टेलीग्राम पर विमल17जेड यूजर नेम सर्च करके आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर विमल17जेड नाम से आईडी है, और जीमेल आईडी पर भी विमल12@gmail.com पर आप पेपर भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय जो है वो प्रश्नों से आते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी है स्टेट्स दैट वी कैन नॉट लर्न और रिमेंबर थिंग्स इन अवर माइंड इफ वी हियर स्पीक सी और राइट इट ओनली वंस ओनली रिपीटेशन कैन इंश्योर रिटेंशन। तो आपको बताना था रिफॉर्म मेथड, ड्रिल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच में से कौन सा सही होगा। तो जब भी बात आए रिपीट करने की, चाहे आप का टीचर के द्वारा कोई चीज़ बताई गई, उसने आप उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया और बार आप सुन बार बार सुन रहे हैं, या टीचर ही आपसे बार बार कोई चीज़ पूछ रहा है, तब वहां पर कौन सा मेथड होता है, तब आपका वहां पर ड्रिल मेथड होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही मैंने पूछा था रिपीटेशन के संबंध में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दूसरा, क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जब बात होती है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की, तो दो प्रकार से हम वहां पर डिवीजन करते हैं। एक आपका होता है ओल्ड या क्लासिकल मेथड के तौर पर, और दूसरा होता है आपका न्यू मेथड के तौर पर। तो ओल्ड या क्लासिकल मेथड के अंतर्गत दो आपके आते हैं, एक आपका आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और यही आपसे पूछा गया था। देखिए क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या कहेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका सही हो जाएगा। और दूसरा इसी के अंतर्गत आपका आता है डायरेक्ट मेथड, तो यदि आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट मेथड दे रखा हो तब भी आप इसे सही मानेंगे। न्यू मेथड में कौन से आते हैं, तो आपके एक आता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, एक आपका आता है बायलिंगुअल मेथड, और एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तीन न्यू मेथड में आते हैं, और यहाँ पर जो आपका क्लासिकल मेथड है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डायरेक्ट आप कह सकते हैं, इसलिए अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है तो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो वहां पर क्लासिकल मेथड ऑप्शन में दिया होता है, यहाँ पर मैंने उसको प्रश्न में दे दिया है, ये चीज मैंने यहाँ पर कर दी थी। पहले वाले प्रश्न की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच कुछ लोगों ने आंसर दिया था, और ड्रिल मेथड बहुत ही कम लोगों का आंसर था, पर जिन्होंने गलत दिया था वो याद रखिएगा ड्रिल मेथड यहाँ पर सही होगा। और जो आपका यहाँ पर डायरेक्ट मेथड है इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा रहता है वो क्या, कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही कि नेचुरल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड्स एट, तो किस पर समाप्त होता है, तो मैंने आपको क्रम बताया था LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार जो है वो क्रम थे। तो यही प्रश्न आपका स्टार्ट्स करके पूछा गया था कि कहाँ से शुरू होती है, तब स्टार्ट्स जब लिखा हो तब आपको लिसनिंग को टिक करना है, और जब यहाँ पर इंड्स पूछ लिया गया है तब आप राइटिंग को टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वाला राइटिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो LSRW ये सीरियल जो है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। ये प्रश्न आपका जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे उसमें एक ना एक पूछा जरूर गया है। दो टाइप की स्किल्स होती हैं, एक आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स होती है और एक आपकी रिसेप्टिव स्किल्स होती है। रिसेप्टिव स्किल्स की मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ RECEPTIVE, रिसेप्टिव स्किल्स। तो ये दो टाइप की जो है आपकी हो जाएंगी स्किल्स, हर साल या तो प्रोडक्टिव पूछा जाता है या रिसेप्टिव पूछा जाता है। आप देखिए आंसर क्या होगा, तो चार आपके स्किल्स होती हैं LSRW, मैंने अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिव स्किल्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे दूसरे नंबर वाला और
चौथे नंबर वाला यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग आपका प्रोडक्टिव स्किल्स होता है। यानी कि ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए स्पीकिंग तीसरे वाला ऑप्शन में है और राइटिंग भी इसी में है, तो यही तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि आपका प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है। बात करते हैं दूसरे स्किल्स की यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स की, तो बाकी दो बचे जो एक आपका पहला नंबर वाला यानी कि लिसनिंग और दूसरा आपका तीसरा नंबर वाला यानी कि रीडिंग, ये दोनों आपके रिसेप्टिव स्किल्स में आते हैं। अब थोड़ा सा इसे ट्रिक से भी जोड़ते हैं। ट्रिक से आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो रिसेप्टिव स्किल्स है वो भी आपका आर से ही स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो आता है आर यानी कि रीडिंग वो भी इसी में ही आ रहा है। आपको कि मेन एक यही याद रखना है और जब आपको रिसेप्टिव स्किल्स आर पता चल जाएगा कि आर इसमें आ रहा है तो इसके अगल बगल वाला आपको कोई नहीं लेना है, अल्टरनेट वाला आपका लिसनिंग आएगा तो एल और आर आपको याद हो जाएगा कि रिसेप्टिव स्किल्स में आता है। जब दो आपको याद हो गए तो जो दो बाकी बचे हैं वो आपकी जाहिर सी बात है प्रोडक्टिव में आएंगे। तो इस प्रकार से आप केवल आर रिसेप्टिव से स्टार्ट हो रहा है इसी से इस आर को याद रख के याद रख सकते हैं। देखते हैं आपका अगला और लास्ट बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी नंबर 5, द वर्ड ग्रामर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। आपको बताना है जो ग्रामर वर्ड है वो कहाँ से जो है वो आया है, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या सभी। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ग्रीक भाषा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीक भाषा से आपका ग्रामर वर्ड जो है वो आया है। तो 5 बहुविकल्पी हो गए। अब देखते हैं हम अति लघु, लास्ट में सबसे अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि टोटल में से आपका कितना जो है वो क्या कुछ सही हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हैं, तो सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार मैं आपको आगे भी और जो सब्जेक्ट है उनके भी मॉडल पेपर बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड जो है वो कराता रहूं। देखते हैं आपका अगला अति लघु नंबर 6, छठा प्रश्न है आपका, हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। तो आप जानते हैं किन्होंने इन्वेंशन किया था, तो आप कहेंगे प्रोफेसर सी जे डॉटसन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं प्रोफेसर सी जे डॉटसन, इन्होंने जो है वो इन्वेंशन किया था किसका, बाइलिंगुअल मेथड का। यहां पर दो मेथड जो है वो कंबाइंड है, एक डायरेक्ट और दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फिर दूसरा यहाँ पर भाग पूछा गया था इस प्रश्न का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मेथड। तो यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेंटेंस जो है आपकी यूनिट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था फास्ट रिविजन जब मैं करा रहा था अलग अलग टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन आप कह सकते हैं इन दिस मेथड। तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न 7 की तरफ। सातवां प्रश्न था, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस था आपका, आई वेंट देयर, आई फाउंड द डोर लॉक्ड। ये आपके दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस दे रखे थे और इसे आपको बदलना था किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो बात करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा यहां पर, व्हेन आई वेंट, वेन आई वेंट देयर आई फाउंड द डोर लॉक्ड। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सारी चीजें पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में। आप नीचे जाएंगे तो वहां पर क्लास 1 क्लास 2 नाम से ऐसे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आई वेंट देयर, आई फाउंड द डोर लॉक्ड बनेगा आपका, व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड द डोर लॉक्ड। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो हो जाएगा। देखते हैं आपका अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस था आपका, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच। तो आप देख रहे हैं ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है और चेंज इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में करना है। तो आप किस प्रकार से इसे बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर्च हिज पॉकेट्स, सर्च हिज पॉकेट्स
एंड यू विल फाइंड, यू विल फाइंड द वॉच। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को जो है वो बना सकते हैं, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। नीचे द वॉच लिखा हुआ है, मैं आपको इस लाइन को हटाकर दिखा भी देता हूं, तो देख सकते हैं आप, सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच जो है आपका हो जाएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, नवा प्रश्न है आपका, चेंज द सेंटेंस इंटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस है आपका, ही ब्रैकेट में वर्क इन दिस कंपनी सिंस 1985। तो ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत मैंने पूरे टेंस के एक एक हेल्पिंग वर्ब सारी चीजें बताई थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी लगती है, हैज या हैव, उसके साथ साथ आपका लगता है बीन, उसके साथ साथ आपकी आईएनजी फॉर्म जो है वो लगती है। ये आपका स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर सेंटेंस की अगर बात करें तो आपका क्या बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इसको इसी प्रकार लिख दीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ही, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे, तो यहाँ ही के साथ आपका क्या आएगा, हैज आएगा। फिर मैंने क्या बताया, बीन लगेगा, तो यहाँ पर आपका बीन लगेगा। फिर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी किसके साथ, जो भी आपका यहाँ पर वर्ब होगी, तो वर्क यहाँ पर आपका है, वर्क के साथ आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग। और आगे आपका सेंटेंस इसी प्रकार बढ़ जाएगा, इन दिस कंपनी सिंस 1985। तो ये आपका कंप्लीट जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। एक ना एक प्रश्न टेंस पर बेस्ड जरूर पूछा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब और क्या उसमें फॉर्म लगेगी, वो चीजें अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि सरल प्रश्न आप गलत ना करें, क्योंकि यही प्रश्न आपको नंबर दिलाएंगे। क्योंकि अभी और भी जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस टाइप के प्रश्न को पूछ लिए गए जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो उसमें आप नंबर कहां से लाएंगे। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न, दसवां, सारी चीजें आप कर देते हैं। दसवां प्रश्न है आपका प्रपोजिशन पर बेस्ड, ही प्योर द टी डैश द मग। तीन ऑप्शन भी मैंने दिए थे, इनटू, ऑन और इन। तो यहां पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यहां पर इन तीनों में इनटू जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्योर मतलब आप कह सकते हैं कि जो टी है, चाय है, उसको मग में डालने को लेकर बात की जा रही है, उसके संदर्भ में मैंने इनटू बताया भी था आपको, जाइए प्रपोजिशन वाला वीडियो देखिए, एक एक मैंने आपको अलग से डिफाइन किया था। दूसरा आपका यहाँ पर प्रपोजिशन पर बेस्ड सेंटेंस था कि ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क, विद माई वर्क, ऑन माई वर्क, एट माई वर्क। इस प्रकार से अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए थे। किसी ने मुझे कमेंट करके पिछले वाले वीडियो में ये भी पूछा था कि क्या ये ऑप्शन जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये दिए जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है, प्रीवियस अगर मैं ईयर में अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे आपके प्रश्न आए थे जिनमें दिए गए थे, पर कुछ ऐसे भी ईयर थे जिनमें प्रपोजिशन में किसी भी प्रकार का ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया गया था। तो टोटली बेस्ड है कि दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, दोनों जो है वो यहाँ पर चांसेस हैं। बात करते हैं आंसर की, यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर विद जो है वो सही होगा, ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज विद माई वर्क, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आपका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर जाकर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं अब हमारे प्रश्न की, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है। एक सब्स्टिट्यूशन है आपका एनिमल हु ईट्स ग्रास, उसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर की बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा हर्बीवेरस। इसकी स्पेलिंग आप देखिए क्या होती है, एच ई आर बी आई वी ओ आर ओ यू एस, हर्बीवेरस जो है वो एनिमल हु ईट्स ग्रास, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दूसरा मैंने पूछा था वन हु मेक्स अ पावरफुल स्पीच, इसका क्या होगा, इसका आंसर आई थिंक किसी ने नहीं सही दिया था, और क्या होगा। तो बात करते हैं वर्ड की कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, ओरेटर जो है आपका सही होगा, ओ
R-A-T-O-R। अब देखिए क्या होता है, इसी से ही मिलते जुलते आपको और भी वर्ड देखने को मिल सकते हैं। पर जब आपका एग्जामिनर चेक करता है तो क्या करता है, वो पेपर पर आंसर लिख लेता है, और उस समय वो पेपर से ही जब मैच कर रहा होता है, तो आप अगर इसका कोई सिनोनेम भी लिख रहे हैं जो इसका समानार्थी है और वो सही भी है, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि वो उसे क्रॉस कर दे, काट दे। तो कोशिश यही कीजिए जो एग्जैक्ट वर्ड उसके संबंध में है वही जो है वहां पर आप लिख कर आए। तो सभी प्रश्न हमने जो है वो देख लिए। टोटल आपके यहाँ पर 11 प्रश्न हमने जो है वो कराए हैं। इन 11 प्रश्न में से आपके कितने सही रहे, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और आपका 6 मई 2022 को जो पेपर है उसके लिए सभी को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और कोई भी चीज आपको पढ़नी हो, फास्ट रिविजन या फिर प्रीवियस ईयर पेपर या टॉपिक वाइज वीडियो, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में जो है वो 4 सेमेस्टर की मिल जाएंगी। तो आप कुछ देखना चाहते हो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।